Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Assalamu alaikum class. इस वक्त ये जो specific recording है ये Tech Mentors की online WordPress class जो है उसकी search engine optimization part के हवाले से है, मगर future में हम इसको YouTube पर भी share करेंगे. इस एक स्पेसिफिक क्लास को बाकी क्लासेस शेयर नहीं होंगी. सो वर्डप्रेस इज़ एक्सट्रीमली सर्च इंजन फ्रेंडली, और सर्च इंजन पे आने के लिए आपको कुछ स्पेसिफिक चीज़ें करनी होती हैं, कुछ स्पेसिफिक स्टेप्स उठाने पड़ते हैं, और वो स्पेसिफिक स्टेप्स हमारे लिए प्लगइन्स और ख़ास तौर पे SEO बाय योस्ट या योस्ट SEO प्लगइन जो है उसने बहुत आसान कर दिए हैं. तो लेट्स स्टार्ट विद सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन ऑन पेज ऑप्टिमाइजेशन स्पेसिफिकली ऑफ आवर वेबसाइट. सबसे पहले तो आप ये करें कि ये चेक करें कि आपकी वेबसाइट जो है वो सर्च इंजन्स को कहीं वो तो नहीं कर रही है. ब्लॉक तो नहीं कर रही. तो उसके लिए आप ये करेंगे कि सेटिंग्स में जाके रीडिंग में आएँ, ठीक है, और रीडिंग में आके ये वेरीफाई करें कि ये जो स्पेसिफिक चेक बॉक्स है आपका ये अनचेक होना चाहिए. अगर ये चेक्ड है और आप किसी भी तरह की सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन अपनी वेबसाइट की कर लें, 90% चांसेस है कि आपकी वेबसाइट इंडेक्स नहीं होगी. 10% चांसेस में ये है कि कुछ जो वो हैं आपके सर्च इंजन्स हैं वो मे भी इसको उठा लें, बट बी श्योर कि गूगल और बिंग ने इसको नहीं उठाना. तो दिस शुड बी अनचेक्ड. देन हम जाते हैं और न्यू प्लगइन इंस्टॉल करते हैं. प्लगइन इंस्टॉल करने का तरीका आपको ऑलरेडी आपके टीचर ने बताया हुआ है. मेरे पास प्लगइन ऑलरेडी पड़ा हुआ है इसलिए वो प्लगइन मैं चूज़ करूँगा. एंड प्लगइन मेरे पास पड़ा हुआ है कहाँ पर, ये सोचने वाली बात है. सॉरी, आपका थोड़ा सा मैं एक्स्ट्रा टाइम लूँगा बिकॉज आई हैव टू फाइंड दैट. ये रहा जी योस्ट SEO प्रीमियम प्लगइन. सो इंस्टॉल नाउ पे क्लिक किया, प्लगइन आपका अपलोड हो रहा है. एंड एज सून एज इट इज़ अपलोडेड हम क्या करेंगे, इसको एक्टिवेट कर देंगे. अच्छा जी, प्लगइन की एक्टिवेशन हमने कर दी. ये प्लगइन इंस्टॉल होते साथ ही एक टूर चलाता है आप लोगों के लिए. अगर आप चाहें तो आप स्टार्ट टूर करके टूर देख सकते हैं. यू कैन सी के जो टिप्स हैं एंड ट्रिक्स हैं वो सारी आपको ये बता रहा है. जैसे कि ये जो फर्स्ट टैब है यू आर इन्फो वाली, ठीक है, इस यू आर इन्फो में क्या क्या है उसके बारे में बता रहे हैं कि एट सम ऑफ यूर इन्फो, ठीक है, इस तरह से वेबमास्टर में क्या कर सकते हैं, सिक्योरिटी में क्या कर सकते हैं, और ऑन पेज और वगैरह इनमें आप क्या कर सकते हैं. सो आई एम गोइंग टू क्लोज इट. अच्छा जी, सो हियर वी आर, लेट्स गो टू आवर योर इन्फो. ठीक है, सो वेबसाइट का नाम मैंने दे देना है इसमें कि ये वेबसाइट किस चीज़ के लिए है. तो ये लेट्स से मैं इसको ये कह देता हूँ कि जी ये है हमारी टेक मेंटर्स की वर्डप्रेस क्लास. ठीक है, राइट, ये हमारे पास हो गई है. और ये मैं इधर शिफ्ट कर देता हूँ इसके अल्टरनेट नेम में, और इसका जो प्राइमरी नेम है वो मैं रख लेता हूँ वर्डप्रेस क्लास. तो इसको कॉपी किया, इधर ला के इसको पेस्ट कर दिया. ठीक है, चूज़ वेदर यू आर अ पर्सन और अ कंपनी. डेफिनेटली आई एम अ पर्सन, अकेले काम कर रहा हूँ. ठीक है, अपना नाम आप इसमें देना चाहें तो आप अपना नाम इसमें दे सकते हैं. मैं इस वक्त सिर्फ वर्डप्रेस क्लास ही यूज़ कर रहा हूँ. सेव चेंजेस पे मैंने क्लिक कर दिया है. ओके जी, सेव चेंजेस पे क्लिक किया, और फिर उसके बाद हम जाएंगे वेब मास्टर टूल्स की तरफ. नाउ दिस वेब मास्टर टूल्स आपके पास डिफरेंट हैं, जिनसे आपने कोड उठा के अपनी वेबसाइट को उसमें डिफ़ाइन कर देना है कि भाई ये वाली मेरी वेबसाइट है और इसको आप करें. तो फॉर एग्जाम्पल मैं आपको एग्जाम्पल दूंगा गूगल की.
कि गूगल सर्च कंसोल में किस तरह से आप अपनी वॉइस साइट इंडेक्सेशन के लिए सबमिट कर सकते हैं। सो गूगल के लिए हम करेंगे राइट क्लिक, ओपन लिंक इन न्यू टैब। ओके, दिस इज़ नाउ ओपनिंग और नॉट श्योर के हमारे पास क्या क्या हो। चलें, इट इज़ रिकॉर्डिंग, अंडर रिकॉर्डिंग ये है हमारे पास, सो इसको करते हैं मिनिमाइज। अच्छा, यहाँ से जब हम क्लिक करेंगे तो यहाँ पे फ़ौरन आपकी वेबसाइट ये उठा लेगा, लेकिन अगर आप यहाँ से नहीं क्लिक करेंगे तो एक पहले आपके पास एक विंडो आएगी, ठीक है। आप जाएंगे google.com/webmasters पे, google.com/webmasters, उस पर जाएंगे, एंटर करेंगे अपने गूगल यूज़र नेम पासवर्ड के साथ, आप लॉगिन करेंगे, ठीक है, तो आप अपनी वेबसाइट का एड्रेस उसमें दे देंगे। वेबसाइट का एड्रेस देने के बाद आप जब एंटर करेंगे तो ये आपको बताएगा कि जी आप अभी किस तरह से इसको वेरीफाई कर सकते हैं, ठीक है, राइट। मैं अल्टरनेट मेथड चूज़ कर रहा हूँ क्योंकि हम प्लगइन यूज़ कर रहे हैं, तो प्लगइन में हमारे पास अल्टरनेट मेथड ही यूज़ होगा। सो ये HTML टैग की तरफ में आया और ये टैग थोड़ा सा सेलेक्ट नहीं हो सकता, तो मैंने पूरे के पूरे को कॉपी कर लिया। लेकिन हमें क्या चाहिए, ये जो दो कोट्स के दरमियान बंद है, ये वाले जो दो कोट्स के दरमियान बंद है, सिर्फ और सिर्फ ये नंबर हमें चाहिए। तो मैं क्या करता हूँ कि इसको लेके यहाँ पे मैं पेस्ट कर दूँगा, राइट, और पेस्ट करने के बाद ये जो एक्स्ट्रा जितनी भी चीज़ें हैं ये सारी मैं इसमें से कर दूँगा डिलीट। ओके, पकड़ें इसको, डिलीट कर दें, ठीक है, सेव चेंजेस दबा दें। अच्छा, सेव चेंजेस करेंगे तो ये टैग ये क्या कर देगा, इसको ऐड कर देगा इसी फॉर्मेट में, ये जो फॉर्मेट गिवन है इसी फॉर्मेट में इसने इसको आपकी वेबसाइट के मेटाज में इसको सेव कर दिया, ठीक है। HTML टैग आपने सेव कर लिया, क्या कर सकते हैं, वेरीफाई कर लेते हैं। वेरीफाई पर क्लिक करेंगे तो अभी आप देखें अगर वो सक्सेसफुली वो कोड उसने ऐड कर दिया तो आपकी वेबसाइट सर्च कंसोल में आ गई है, ठीक है। अभी गूगल आपकी वेबसाइट को सर्च कर सकता है, इसके बारे में इंफॉर्मेशन इकट्ठा करना शुरू कर देगा। हम जाएंगे सर्च कंसोल में। ओके जी, सर्च कंसोल में जाने से पहले एक और चीज़ हम देख लेते हैं, एंड दैट इज़ XML साइट मैप्स। साइट मैप्स इंतहाई ज़रूरी है, आपकी वेबसाइट से मुतालिक तमाम इंफॉर्मेशन इसी के थ्रू गूगल को मिलती है और ये हम गूगल को सबमिट भी करेंगे, ठीक है जी। अच्छा, इसको सबमिट करने से पहले कुछ वेरिफिकेशन कर लेते हैं, ये देख लेते हैं कि हमारी यूज़र साइट मैप जो है तो वो इनेबल्ड है कि डिसेबल्ड है। ये जब अथर आपके पास वेबसाइट का जो होता है उसकी इन्फॉर्मेशन इसमें होती है, जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल लेट्स से मैं विजिट साइट करके आपको बताता हूँ, देन उसके बाद पोस्ट साइट्स है कि किस किस किस्म की पोस्ट्स इसमें जो है तो साइट मैप में होने चाहिए नहीं होने चाहिए, तो पोस्ट को यहाँ पर साइट मैप में डाला हुआ है कि जी होने चाहिए, पेजेस भी होने चाहिए, लेकिन मीडिया जो है तो उसको हमने साइट मैप में नहीं रखा। मीडिया आपके पास जो अटैचमेंट्स होती हैं या जो इमेजेस वगैरह की इन्फॉर्मेशन हो गई, या अगर आपने इसमें कोई वीडियो वगैरह इन्फॉर्मेशन रखी है तो दैट उसमें इंक्लूड होते हैं। इस तरह से एक्सक्लूडेड पोस्ट्स, अगर ठीक है यहाँ पे तो पोस्ट हमने सारे के सारे इसमें डाल दिए, मगर कोई एक आध पोस्ट को हम इसमें से एक्सक्लूड भी कर सकते हैं, तो उस पोस्ट की आईडी आप यहाँ पर लिख देंगे तो वो आपके पास एक्सक्लूड हो जाएगा, साइट मैप में ऐड नहीं होगा। कैटेगरीज़ को आप करना चाहते हैं, टैग्स को आप करना चाहते हैं या नहीं करना चाहते हैं, ये भी आप यहाँ पर डिफ़ाइन कर सकते हैं। पर्सनली मैं इन दोनों को ऑफ़ रखता हूँ, इन दोनों को मैं साइट मैप में नहीं रखता। वजह उसकी ये है कि इसकी वजह से हमारे पास रिपीटिशन होती है, और रिपीटिशन जो है तो फिर आपके पास उसमें चला जाता है, प्लेजरिज्म में चला जाता है, ठीक है, आपके पास रिपीटेड कंटेंट में वो चला जाता है, राइट, तो वो है हमारे पास। अच्छा, ऑथर का मैं आपको बता रहा था कि दिस, नाउ दिस इज़ द ऑथर, कि इस ऑथर की जो इन्फॉर्मेशन है ये आप उसमें रखना चाहते हैं कि नहीं रखना चाहते हैं, आप शो करना चाहते हैं ऑथर की इन्फॉर्मेशन या नहीं करना चाहते कि जी इस स्पेसिफिक ऑथर ने कितने ज़्यादा कितने पोस्ट किए हैं, कितने इसने जो है तो आर्टिकल्स लिखे हैं, किस किस चीज़ में इसकी वो है आपके पास कंट्रीब्यूशन आपके पास कितनी है, ये सारी आप इसमें होती है, तो आप इसको करना चाहते हैं कि नहीं। अगेन मैं इसको डिसेबल करूँगा, वजह उसकी ये है कि इससे फिर मेरे पास वो होगी क्या कहते हैं रिपीटिशन होगी, सो इट शुड बी डिसेबल्ड बाय डिफ़ॉल्ट, भी ये आपके पास डिसेबल ही होता है,
ठीक है, और दिस एक्स एम एल साइट फंक्शनलिटी इट शुड ऑलवेज बी इनेबल्ड। अच्छा, आप अपने एक्स एम एल साइट मैप को देख सकते हैं यहाँ पर, इसको अगर आप क्लिक करेंगे तो आपके एक्स एम एल साइट मैप लोड हो जाएगा। एक्स एम एल साइट मैप आपका जो है तो दैट इज़ वर्ड जो आपकी वेबसाइट का एड्रेस होगा स्लैश साइट मैप अंडरस्कोर इंडेक्स डॉट एक्स एम एल उसका एड्रेस है। ठीक है, तो ये इसने इन्फॉर्मेशन उठा ली है। अगर मैं यहाँ पर पोस्ट पे क्लिक करूँ तो ये जितने भी मेरे पोस्ट्स हैं उनकी इन्फॉर्मेशन इसमें मौजूद होगी आपके पास। ठीक है, ये एक दो तीन ये पोस्ट्स मेरे अभी यहाँ पर मौजूद है, इसने ये उठा ली है, बाकी ये उठा रहे हैं इंडेक्स कर रहे हैं। ठीक है ना, इसमें अभी हमारे पास 6 URLs हैं बट ये बाकियों को भी इंडेक्स कर रहा है, अभी थोड़ी देर में बाकी इसमें ऐड होने लग जाएंगे। तो आपको ये ख़ुद से बनाने की ज़रूरत नहीं है, ये डायनामिक है, ऑटोमेटिकली ये अपडेट होता रहता है, जो आपका साइट मैप है ये अपडेट होता रहता है। राइट, अच्छा, उसके बाद हम क्या कर सकते हैं, उसके बाद हम जाते हैं किसी पोस्ट में और एक पोस्ट को हम देखते हैं कि किस तरह से आप उस पोस्ट को ऑप्टिमाइज़ कर सकते हैं। तो न्यू पोस्ट भी कर सकते हैं, एग्जिस्टिंग पोस्ट भी आप अपना चूज़ कर सकते हैं। लेट्स से मैं एक पोस्ट उठाता हूँ, कोई भी मेरा पोस्ट है। ठीक है, यहाँ पर SEO का स्कोर उसका आ रहा है, सब के सब जो है तो आपके पास ग्रे हैं, इट मीन्स कि SEO स्कोर इनका जो है तो निल है, इनकी ऑप्टिमाइजेशन किसी भी किस्म की नहीं हुई। फॉर एग्ज़ाम्पल लेट्स से मैं इस पोस्ट को उठाता हूँ, आई डोंट नो कि इस पोस्ट में क्या है, बट लेट्स से मैं इसकी ऑन पेज ऑप्टिमाइजेशन करना चाहता हूँ। सो उसके लिए क्या करना है, पोस्ट को हमने लोड कर दिया, और पोस्ट को लोड करने के बाद ना व्हाट वी आर गोइंग टू डू, वी आर गोइंग टू मेक श्योर कि हमारे जो ये टाइटल है, ये जो टाइटल है इट शुड बी इन द URL एज़ वेल। सो आप ये मेक श्योर करें कि आपका टाइटल URL में मौजूद होना चाहिए। जी, हमारा जो टाइटल है वो URL में मौजूद है। दिस इज़ द फर्स्ट स्टेप ऑफ ऑप्टिमाइजेशन। ठीक है जी, ये आपके पास होना चाहिए। सेकेंड नहीं, ये आपके पास जो है तो वो होना चाहिए कि आपके जो लेट से इस पूरे के पूरे को मैं उठाना चाह रहा हूँ एज अ, या लेट से इस पूरे को नहीं, ज़रा जो आपकी मर्ज़ी है, बट मुझे ये ज़्यादा अच्छा लग रहा है, तो मैं इस स्पेसिफिक को उठाता हूँ और इसको मैं अपना फोकस कीवर्ड बना देता हूँ। ठीक है, कि दिस इज़ माय फोकस कीवर्ड, और इसकी बेसिस पर मेरे ये जो वो है ये रैंक होना चाहिए, इसको मैं रैंक करना चाहता हूँ इस स्पेसिफिक कीवर्ड पे। ठीक है, सो ये कीवर्ड मैंने यहाँ पे पेस्ट कर दिया। जैसे ही कीवर्ड मैंने डाला, आपका जो SEO प्लगइन है उसने सर्चिंग कर ली और आपको यहाँ पर टिप्स दे दिए कि आपके जो वो है जो कीवर्ड है उसकी मुनासबत से आपका आर्टिकल किस तरह से रैंक कर रहा है, कितनी उसकी स्पीड है, कितना उसका यानी इम्पैक्ट उसका कितना होगा। तो अगर आप देखें तो ये कुछ चीज़ें तो हमारे पास ग्रीन है, जैसे फोकस कीवर्ड्स अपीयर्स इन द URL, जैसे मैंने आपसे पहले कहा कि फ़र्स्ट स्टेप ये होगा आपका। ठीक है, इसमें आपके पास 1360 वर्ड्स है, इसके मुताबिक 300 से ज़्यादा होने चाहिए। यू हैव नेवर यूज्ड दिस कीवर्ड बिफोर, द पेज टाइटल कंटेन्स द फोकस कीवर्ड एट द बिगिनिंग व्हिच इज़ कंसीडर्ड, यानी H1 में ये उठा रहा है इसको। ठीक है, बट और चीज़ें नहीं है, जैसे देखिए मेटा डिस्क्रिप्शन इसकी नहीं है। ठीक है, इंटरनल लिंकिंग कोई भी नहीं है, फोकस कीवर्ड यूज़ ही नहीं हुआ पहले उसमें, फिर फोकस कीवर्ड किसी भी H2 में यूज़ नहीं हुआ, फिर कीवर्ड डेंसिटी इसकी कितनी है, फिर इमेजेस जो है तो उसमें ऑल टैग्स एडेड है कि नहीं है एडेड, इसी तरह से फ्लैश रीडिंग ईज टेस्ट इसकी इतनी कोई इंपॉर्टेंस नहीं है। अगेन एक और चीज़, 89 कैरेक्टर्स हैं। ठीक है, 89 कैरेक्टर से मसला ये होगा कि ये जो आपका जब सर्च इंजन में ये रिज़ल्ट आएगा तो आपका ये जो हेडिंग है ये मिसिंग होगी, ये नज़र पूरी नहीं आएगी। ठीक है, डॉट 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 हो जाएंगे, बट एट द मोमेंट आई डोंट केयर अबाउट दैट, मैंने ऐसा उठा लिया है कि मजबूरी है मेरी। अच्छा जी, सो दिस इज़ वॉट वी आर गोइंग टू डू। आर यू इन सर्च ऑफ मोस्ट इफेक्टिव कॉन्टेंट मटीरियल एडवर्टाइजिंग एंड मार्केटिंग इंस्ट्रूमेंट्स एंड प्लगइन्स दैट मेक इट ईजियर टू क्रिएट किलर कॉन्टेंट। ठीक है, ये पढ़ना शुरू कर लिया। ठीक है, नाइस कॉन्टेंट, ओके 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 ऑन दिस आर्टिकल। ठीक है, राइट, अब ये देखिए ऑन दिस आर्टिकल मैं इधर इसका नाम लिख सकता हूँ, द 13 दिस कॉमा स्पेस ऐड कर दिया जी। अब वो जो उसका गिला था मुझसे कि फर्स्ट पैराग्राफ में ये है नहीं, मैंने इसको फर्स्ट पैराग्राफ में ना सिर्फ ऐड कर दिया बल्कि मैंने इसको बोल्ड भी कर दिया। ठीक है, अब दूसरा गिला जो था वो हमारे पास ये आ रहा था कि जी इसके ऑल टैग्स नहीं है, तो मैं क्या करूँगा कि मैं जाके
ये तो इसका तो मौजूद है, बेस्ट वर्डप्रेस प्लगइन एंड टूल्स टू क्रिएट कंटेंट, ठीक है। अल्ट टैग इसमें मौजूद है तो इसको छोड़ देते हैं, जहाँ पे नहीं है मौजूद वहाँ पर हम देखते हैं। अच्छा, दूसरा ये कह रहा था कि आपके पास ये जो है इसका कहीं पे उसमें यूज़ नहीं हुआ, वहाँ H2 में यूज़ नहीं हुआ, ठीक है, किसी हेडिंग में नहीं यूज़ हुआ। सो हम ये कर सकते हैं कि यहाँ पर थोड़ा सा इसको वो कर दें कि लिस्ट, सबसे पहले मैं इधर H2 सेलेक्ट करता हूँ, ठीक है, एंड यहाँ पे कर देता हूँ लिस्ट ऑफ जो मेरा कीवर्ड है वो डाल दिया, राइट। तो इधर भी यूज़ हो गया और नेचुरल भी लग रहा है, यानी पढ़ने वाले को अजीब भी नहीं लगेगा। तो ये कुछ टेक्निक्स हैं, कुछ टैक्टिक्स हैं जो कि आप यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। और इसकी बेसिस पर आप जो है तो अपना वो बना सकते हैं, आपका जो आर्टिकल है उसको आप सर्च इंजन ऑप्टिमाइज कर सकते हैं, ठीक है। अब बीच में आप कितनी कितनी दफ़ा इसको वो करना चाहें, रिपीट करना चाहें, ठीक है, तो वो भी आपको इसमें पता होना चाहिए। अब चूंकि मैंने ये आर्टिकल रीड नहीं किया हुआ तो मुझे नहीं पता कि मैं कहाँ पर इसको रिपीट कर सकता हूँ, तो वो बड़ा बुरा लगेगा अगर मैं इसको गलत जगह में रिपीटेशन दूंगा। बट नाउ इफ़ यू टेक अ लुक, तो आपके पास पहले सिर्फ 4 ग्रीन थे, अभी आपके पास 3 और जो है तो वो आपके पास वो हो गए हैं, क्या कहते हैं, ऑरेंज हो गए हैं, राइट। इट मींस कि इम्प्रूव हो रहे हैं आपके पास। फिर उस तरह से ये वाले द फोकस कीवर्ड वाले इसने अभी तक नहीं उठाया, बट ये अभी उठा लेगा। मैं अगर इसमें कोई इंटरनल लिंकिंग कर दूं तो इंटरनल लिंकिंग से भी मेरा काम चल जाएगा, यानी फॉर एग्जांपल लेट्स से मैं इसको उठाता हूं कि ये वाला इसको मैं लिंक करता हूं, ठीक है। तो इसको लिंक करने के लिए हम ये कर सकते हैं कि यहाँ पर मैं एक एंड में एक वो डाल देता हूँ, यहाँ पे लेट्स से मैं डाल देता हूँ यू, ओके जी, यहाँ पर ये डाल देता हूँ कि यू मे बी शॉपिंग इंटरेस्टेड कार्ट इन, ठीक है। बस जस्ट मैंने एक इसके लिए वो बना लिया है, नाम बना दिया है, आप एग्जैक्ट नेम भी यूज़ कर सकते हैं। मैं तो बस इस वक्त जस्ट एक क्या कहते हैं काम निकालना चाह रहा हूँ अपना, तो ये अब इसको ऐसा लिंक उठाने की कोशिश कर रहा है, इट शुडंट डू दैट, ओके, ये मैंने वो लिंक पेस्ट कर दिया, ठीक है, जो उठाया था, ये हो गया। आपके पास इंटरनल लिंकिंग भी इसमें हो गई, सो ये भी अभी आपके पास गायब हो जाना चाहिए। गायब नहीं हो रहा तो उसके लिए आप ये कर सकते हैं कि इसको एक दफ़ा अपडेट कर दें। आप अपडेट करेंगे तो आपके पास ये जो मिसिंग चीज़ें हैं वो ये रिफ़्रेश होने के बाद उठा लेगा। जैसे ये मुझे कह रहा था कि लिंक नहीं है मौजूद, और ये मुझे कह रहा था कि फर्स्ट पैराग्राफ में नहीं है मौजूद, तो लेट्स सी, अभी इट शुड हैव पिक्ड इट अप, ओके जी, ओके, यू आर लिंकिंग टू अनदर पेज विद द फोकस कीवर्ड यू वांट दिस पेज टू रैंक फॉर, कंसिडर चेंजिंग दैट इफ़ यू टू वॉन्ट टू रैंक फॉर दिस। अच्छा जी, ये एक इसमें एक्सटर्नल लिंकिंग हो रही है, वैसे आई एम नॉट श्योर अबाउट दैट, वही बात है आ जाती है कि मैं बीच में इस पूछूँ कि मैंने रीड नहीं किया पहले से, सो आई हैव नो इन्फॉर्मेशन कि इसमें है क्या, बट दिस इज़ हाउ इट वर्क्स, दिस इज़ हाउ यू मेक श्योर कि आपके पास ये काम करे, किस तरह से आप इसको बेस्ट रिजल्ट्स इसमें से आप फाइंड आउट कर सकते हैं। देन आता है आपके पास स्निपेट, ठीक है, तो स्निपेट में हम जो है तो वो कर लेते हैं कुछ इसके बारे में स्पेसिफिकली, जो यानी गूगल पे जब कोई चीज़ हम सर्च करते हैं और उसकी डिटेल आ रही होती है तो वो हम डालते होते हैं, तो वो यहाँ पर आप कर सकते हैं। आप 140-160 वर्ड्स के बीच में ये वो करता है, कभी कभी ज़्यादा भी उठाने लगता है, लेकिन अभी फिर से उन्होंने लिमिट इसकी कम कर दी है। सो मैं अपना नॉर्मली आपका जो इंट्रोडक्टरी पैराग्राफ जो होता है वही आपके पास होता है, आपका क्या कहते हैं एक स्टार्टिंग होती है, एक समरी होती है आपको, जो कि आप चाहते हैं कि वो नज़र आए लोगों को, अट्रैक्शन के लिए आप डालते होते हैं, डेफिनेटली वही आप यूज़ करते हैं। तो मैं भी उसी को उठा रहा हूँ और उसी को मैं यूज़ करूँगा यहाँ पर, ठीक है। तो ये जो मेरे एरर जो आ रहा है मेरे पास, ये
ख़त्म हो जाएगा। ठीक है, अब देखें नाउ ये रेड हो गया, इट मीन्स कि इट इज़ टू मच। सो मैं क्या करूँगा कि आर यू इन सर्च ऑफ द मोस्ट इफेक्टिव कंटेंट मटेरियल एडवर्टाइजिंग एंड मार्केटिंग इंस्ट्रूमेंट्स। ठीक है, यहाँ पर आके मैंने इसको ख़त्म कर दिया, राइट। अभी ये कम है तो मैं क्या करूँगा, वी हैव गॉट यू, सॉरी ऐसा मेरा कीबोर्ड एक जगह पड़ा है, मैं दूसरी जगह पड़ा हूँ, गॉट यू द 13, अल्लाह करे कि ये आ जाए इसमें, नहीं तो फिर कुछ और सोचना पड़ेगा। अच्छा अगर ओके इसको छोटा कर सकता हूँ मैं, इंस्ट्रूमेंट्स की जगह मैं यूज़ कर सकता हूँ टूल्स। ठीक है, वी हैव थर्टीन बेस्ट कॉन्टेंट मार्केटिंग टूल्स एंड प्लगइन्स फॉर वर्डप्रेस। ओके, कॉन्टेंट मटेरियल इफेक्टिव Effective advertising and marketing tools. We have the 13 best content marketing tools and plugins for WordPress. ठीक है, ये थोड़ा सा बच गया, कोई ऐसी बात नहीं है, बस इससे ज़्यादा ना हो, अदरवाइज़ फिर वो ट्रंकेट हो जाएगा, उसको स्किप कर देगा। ठीक है, ये हमारा स्लग आ गया, राइट, जो इसका एड्रेस है वो इसने उठा दिया, ये वाला मसला भी हमारा ग्रीन हो गया। ठीक है, फोकस कीवर्ड्स को कहते हैं कि आपने नहीं यूज़ किया, मैं यूज़ कर चुका हूँ, इसका दिमाग ख़राब हो रहा है इस वक्त, कोई ऐसी बात नहीं है। Doesn't appear in the first paragraph, बिल्कुल it is appearing in the first paragraph, हमने डाला हुआ है। अच्छा, the keyword density is 0.2, कोई ऐसी बात नहीं है, हम इसको दो तीन दफ़ा और यूज़ करेंगे तो ये उठा लेगा, बट उसके लिए ज़रूरी है कि आर्टिकल आपने या तो ख़ुद लिखा हो या आपने पहले से पूरी तरह से अच्छे तरीके से पढ़ा हुआ हो। ठीक है, 13 best content marketing tools, okay, ये हो गया हमारे पास। अच्छा, यहाँ पर मेरे पास एक डिफ़ॉल्ट सेटिंग इसमें है, उस वजह से ये इसको नहीं उठा रहा था, इसका कोई दिमाग ख़राब नहीं हुआ, तो ये भी अच्छी बात है, नहीं तो इसका दिमाग ख़राब हो जाता तो हम पता नहीं क्या करते फिर। अच्छा जी, ये फरमा रहे हैं कि नहीं आपने यूज़ किया, जी हमने यूज़ किया हुआ है, दिस इज़ एन H2 एंड इट इज़ बीइंग यूज्ड, सो प्लीज़ आप अपने आप को अपडेट कर लें। ओके, ये टाइटल कंटेंस, टेक्स्ट कंटेंस, फोकस इन द फर्स्ट पैराग्राफ उठा लिया जी, टू अनदर पेज विद द फोकस कीवर्ड, इसके लिए मुझे देखना पड़ेगा इसको। अच्छा, कोई भी इमेज जिसमें ऑल टैग मिसिंग हो तो आप प्लीज़ उसको कंप्लीट कर लें। ठीक है, कि ऑल टैग्स आपके मिसिंग ना हो, ये बड़ी बुरी बात होती है, आपने एक इमेज दे दिया तो उस इमेज के साथ उसका ऑल टैग भी होना चाहिए। ठीक है, कि ये इमेज किस चीज़ के लिए है, राइट, सो इट शुड बी देयर, इसका कोई नाम होना चाहिए। मैं इस वक्त जस्ट इसको फिल अप करने के लिए यूज़ कर रहा हूँ, बट इसका अपना एक नाम होना चाहिए। ठीक है, राइट, तो कोई भी एक इमेज ऐसी ना हो जो कि आपके पास उसके बगैर हो, ऑल टैग के बगैर हो। ठीक है, मेक श्योर कि आपके सारे ऑल टैग्स लगे हुए होने चाहिए। ठीक है जी, राइट, अच्छा ये ऑल टैग आपका लगा हुआ है, ये आप जो है तो इसको वो भी कर सकते हैं, कहीं पर इसको फॉलो करवा सकते हैं, या अगर आप नहीं करवाना चाहते तो बस आप जो है तो इमेज URL सेलेक्ट कर लें या नन सेलेक्ट कर लें कि जी बस ये इमेज कहीं पे भी नहीं जा रही है, इधर ही रुकी हुई है। ठीक है, तो ये भी आप कर सकते हैं इसके साथ। सो दिस इज़ ऑल अबाउट इट। हाँ, ये है कि इसके जब आप यूज़ करेंगे तो आपको बहुत सारे क्वेश्चन आएंगे। ठीक है, वो क्वेश्चन आपने क्या करने के, अभी चूँकि ये सेशन लाइव नहीं है तो डायरेक्टली आप नहीं आस्क कर सकते, तो आपने कमेंट्स में वो क्वेश्चंस पूछने हैं। मेक श्योर कि आप क्वेश्चंस पूछें, मेक 100% श्योर कि आप क्वेश्चंस पूछें, क्योंकि जब तक आप क्वेश्चंस नहीं पूछेंगे तब तक जो है तो मज़ा नहीं आएगा ना, और मज़ा नहीं आएगा तो फिर हम कैसे कुछ कर सकते हैं। मैं आपको एक आध एग्जाम्पल दिखाता हूँ, एक प्रॉपरली जो वो है फॉर्मेटेड आर्टिकल की, जो आर्टिकल मैंने पहले से पढ़ा हुआ हो उसकी एक एग्ज़ाम्पल मैं आपको दिखाता हूँ। अच्छा जी,
मैंने आपसे कहा मैं आपको कुछ दिखा देता हूँ। ये एक साइट है हमारी, इसमें अगर आप देखें तो 46 हमारे पास जो है, तो उनके SEO स्कोर को अगर आप देखें तो वो बिल्कुल ग्रीन है आपके पास, इट्स अ गुड SEO स्कोर, ठीक है। इसी तरह से इसमें एक पोस्ट हम देख लेते हैं, फॉर एग्जांपल ये एक पोस्ट है, तो इसमें आप देखें कि गुड जो आपके पास है तो वो क्या आ रहा है, आपके पास सारे के सारे ग्रीन हुए पड़े हैं, ठीक है। ये एक इसमें नहीं है ग्रीन, जो कि हमें क्या कह रहा है कि द प्राइमरी कीवर्ड जो है आपके पास वो उसमें यूज़ ही नहीं हुआ फर्स्ट पैराग्राफ में, तो कोई ऐसी बात नहीं है जी, हम अभी यूज़ कर लेते हैं फर्स्ट पैराग्राफ, क्या कि आप जिस पैराग्राफ का नाम लेना चाहें हम उसमें आपको ये यूज़ कर देते हैं। SC क्या होता है, अच्छा जी, सो यहाँ पर मैं आ जाता हूँ, इसको मैं कर लेता हूँ यूज़, ये बड़ी बात नहीं है, है बड़ी बात की नहीं है, तो यूज़ हुआ है, अच्छा जी वही मसला कि इट इज़ बीइंग यूज्ड, ठीक है, बट जो वो है हमारे पास जो प्लगइन है वो इसको नहीं उठा पा रहा है, इट डजंट मैटर, आई नो इट इज़ यूज्ड, सो बस इफ़ इट इज़ यूज्ड तो इट मींस के इट्स फाइन, ज़रूरी नहीं है कि मेरा इसको वो भी उठा ले जो क्या कहते हैं प्लगइन है वो भी इसको एग्जैक्टली उठा दें, इट डजंट मैटर, कोई ऐसी बात नहीं। सो दिस इज़ ऑल अबाउट Yoast SEO. If you have any questions, and you must have questions, so please ask those questions in the comments, or we will try to answer. Balki agar zarurat pade to main uski video bhi bana ke questions ko answer karunga. Thank you so much. Allah Hafiz, take care. Tech Mentors.